दोस्तों ये पार्ट वन है। इस वीडियो में सीखेंगे जींस पॉकेट बनाना, मोबाइल पॉकेट बनाना बेहतरीन तरीके से, जैसे आप जींस में देखते हो सेम उसी तरीके से। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से सीख जाएं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके का पॉकेट देखिएगा, ये देखिए, ये मेरा दोनों पल्ला है। यहाँ से इसको इस तरीके से राउंड कर लेंगे और ये मोबाइल पॉकेट का हम दाग लगा दे रहे हैं ताकि आप सभी को समझ में आए कि मोबाइल पॉकेट भी कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पॉकेट का जो मार्का है हम बता दें, 4 इंच जो है नीचे से है और 3.5 इंच चौड़ाई है। ये जो पॉकेट तैयार करेंगे वो 9.5 इंच तैयार करेंगे। आप चाहो तो इसको 10, 10.5, 11 तक बना सकते हो बड़ा साइज में, बट ये ज़्यादा बड़ा पॉकेट नहीं बनता है। हाथ का तलहटी अंदर चल जाए यही काफ़ी है। तो ये देखिए इसको जो हम कट करेंगे और 10 कट करेंगे, ओके। और आपको 10 तैयार चाहिए तो आप कोई 11 कट करना होगा, ओके। ये मुझे तैयार चाहिए 9.5, और ये देखिए यहाँ से हमने कट कर दिया। इसको आप ये जो हम चौड़ाई के हिसाब से काटे हैं आप इसको लंबाई के हिसाब से काट सकते हो। जैसे कि पॉकेट आपको 10 रखना है तो 20 इंच लंबाई काटें, 20-21 इंच लंबाई काटें और उसको नीचे से फोल्ड करके बना दें। ये देखिए जिस तरीके से पॉकेट कट होता है वो सही। कपड़ा था मेरे पास तो कट कर लिए, कपड़ा चौड़ाई में कम रहता तो लंबाई से काट लेते। जितना रखना है उसे दोगुना काटिएगा, दोगुना से 1 इंच ज़्यादा तो आपका फिक्स आ जाएगा उतना। ये देखिए उधर को हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ऐसे इस तरीके से बैठा लेंगे और सेम बराबर करके सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे जिस तरीके से है। कितने लोग देखते हैं कैंची टेप से नाप लेते हैं और कटिंग कर लेते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो हिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कमर में दिक्कत आएगी, यानी कि जिस तरीके से आप पैंट कटिंग किए हो उसी तरीके से सारा हिसाब आ जाएगा परफेक्ट। तो कुछ इस तरीके से इसको पहले दोनों पल्ला को रखेंगे और इस पॉकेट को कटिंग कर लेंगे ताकि दोनों पल्ला मेरा एक्यूरेट कटिंग हो जाए। जो पॉकेट का डिज़ाइन है, स्टाइल है, वो सेम ही हो, बड़ा छोटा ना हो, इसलिए अच्छे तरीके से बैठाएंगे, क्योंकि मार्का तो मैंने एक में ही लगाया है ना। तो दोनों को हमने बैठा लिया, चलिए अब इसको कटिंग कर लेते हैं। और सबसे पहले कटिंग करने से पहले ये जो मेरा पॉकेट है इसमें कुटका लगा लेंगे, किसी एक में लगा लेंगे तो दूसरे में भी लगा लेंगे ताकि पॉकेट बनाते समय कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ये देखिए जितना पर मार्का है कटिंग कर लिए, क्योंकि मार्का से 200 नीचे की तरफ सिलाई करेंगे तो वो बढ़ेगा। अगर आपको सेम उतना ही चाहिए तो मार्का से 1-2 सूत कपड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे परफेक्ट। और ये जो हमने एक पॉकेट में मार्का लगाया था कुट का, वो दोनों साइड लगा लेंगे, दोनों पॉकेट में लगा लेंगे, पॉकेट बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब इसको हम स्टिच करते हैं, सिलाई करते हैं। तो सिलाई कैसे करना है आप ध्यान से देखिए। देखिए ये उल्टा रहा और नीचे जो है वो भी उल्टा रहा, सीधा सीधा एक तरफ हम चिपका दिए हैं। ये देखिए सेम इसको भी एक बार कपड़ा तक कट कर लिए। ये जो कट करना है, जो सिलाई है ना, वो सिलाई नहीं कट होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। ये कट करते हैं कि ये मेरा कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाता है। और ये देखिए इसको इस तरीके से करके नाखून लगा देंगे, इससे क्या होगा कि अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद एक पैर का सिलाई इस तरीके से चला देंगे, बिल्कुल राउंड, जिस तरीके से राउंड है सेम उसी तरीके से चला देंगे। उसके बाद ये देखिए उल्टा उल्टा से एक पैर का सिलाई चलाएंगे, फिर इसको सीधा करके एक पैर का सिलाई चला देंगे तो ये मेरा बिल्कुल पक्का हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। आप देखिए अच्छे तरीके से। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सेम इसी तरीके का वीडियोज देखने के लिए। इसका पार्ट टू पार्ट थ्री देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप देख सकते हो पॉकेट किस तरह से तैयार हुआ है। अभी पूरा अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुआ है, इसमें जो है मोबाइल पॉकेट लगाएंगे। तो मोबाइल पॉकेट कितने ऊपर लगाएंगे ध्यान से देखिए, ये देखिए 1 इंची ऊपर लगा देंगे या ऊपर से आप 3.5 इंची ना आपके इस तरीके से मार्का लगाकर लगा सकते हैं। इसका जो चौड़ाई रहेगा 3 इंची चौड़ाई रहेगा पॉकेट का, और जो लेंथ रहेगा लंबाई नीचे की तरफ वो 4 इंची रहेगा। यानी कि इसमें सिक्का रख सके या मोबाइल रखे तो अच्छे तरीके से दिखे। अगर आपको मोबाइल रखना है तो आप मेजरमेंट कर लें कि मोबाइल आपको कितना चौड़ा है, उसके 1/2 इंच लूज या 200 लूज बनाकर आप लगाओगे तो मोबाइल आसानी से आ जाएगा। ओके, तो आप ये मत कहना कि सर मैंने पॉकेट बना दिया और मोबाइल उसमें नहीं आ रहा है, मोबाइल पॉकेट नाम है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से बना सकते हो। परफेक्ट, तो देखिए हम किस तरीके से इसमें लगाएंगे। चारों तरफ से जो है हम इसको पहले पक्का कर लेंगे, सॉरी चारों तरफ से नहीं, 3 तरफ से, 1 तरफ से तो ऐसे ही रहेगा, सिला जाएगा साइड से। ओके, तो ये पार्ट 1 है। इसमें ओनली फॉर अच्छे तरीके से पॉकेट बनाना ही सिखाए हैं दोनों पॉकेट। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, मुझे विश्वास है कि आप सीख जाओगे। और इसका पार्ट 2 पार्ट 3 देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सब कमेंट करोगे कि इसका पूरा फुल स्टिचिंग चाहिए एक ही वीडियो में, तो भी अपने मेन चैनल पे ला देंगे। अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए, हमें विश्वास है कि आप मेरे हिसाब से जितने अच्छे तरीके से हम आपको सिखाए हैं आप सीख जाओगे। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। और ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये पॉकेट, मेरा मोबाइल पॉकेट तैयार हो चुका है। अब सिर्फ सिलाई करने की बाकी है, तो इसको भी सिलाई कर देते हैं। जब तक इसी बात पे लाइक हो जाना चाहिए दोस्त। अब वीडियो को देख लेते हो और चले जाते हो, आपका भाई का मेहनत उसूल नहीं होता है। इसलिए आप लोग लाइक कर दो तो मुझे मोटिवेशन होती है, और मैं चाहता हूँ इससे भी बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को सिखाऊँ और इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन ले आऊँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि आपका भाई मोटिवेट हो, और इसी बात पे लाइक तो हो जाना ही चाहिए भाई। और अब देखते हैं पॉकेट किस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से दिख रहा है ना, अमेजिंग पॉकेट। तो कितने लोग जानते होंगे पॉकेट बनाना, बट मैं बता दूं कि इसमें एक एक तरीका अच्छे तरीके से बताया हूं, और जो नहीं जानते हैं वो तो सीख ही गए होंगे। तो अब इधर जो है टाना लगता है, टाना बोले तो अच्छे तरीके से वो पॉकेट को फिनिशिंग, हिप को फिनिशिंग करने के लिए टाना लगता है। लूज पैंट में लगता है, फिटिंग पैंट में लगता है। तो इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे। ये टाना जो लगता है 3.5 इंच 4 इंच 5 इंच तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से टाना लगा। और इसका दूसरा पॉकेट किस तरीके से बनता है, उसमें जो है मोबाइल पॉकेट नहीं रहता है, वो बाएं साइड का है या दाहिने साइड का। कभी बनता है तो दाहिने साइड में ही मोबाइल पॉकेट या चिलर पॉकेट बनता है, आप इतना ध्यान में ज़रूर रखें। तो अब जो है दूसरे पॉकेट भी बनाकर आप सभी को दिखा ही देते हैं, ताकि कोई भी लोचा ना रहे आपके माइंड में। तो आप इसी तरीके का वीडियोस देखने और सिलाई सीखने के लिए आपके भाई का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन जो होता है उसको दबा देने पर आपको फ्री में नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपका भाई का वीडियो आ चुका है। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा या कोई भी किसी तरीके से आपको नुकसान नहीं होता है फ़ायदे के सिवा। फ़ायदा ये होता है कि मैं जो भी चीज़ सिखाता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन मैसेज चला जाएगा कि मेरा वीडियो आ चुका है, आप अच्छे तरीके से देख लो और सीख लो। इसलिए सब्सक्राइब करना रहता है, जुड़ना रहता है।
तो आप लोग सब्सक्राइब करके अपने भाई से जुड़ जाओ ताकि आप अच्छे तरीके से सिलाई सीख सको। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना भाई कि पॉकेट कैसा लगा और आप लोग किस तरीके से बनाते हो, ये भी कमेंट ज़रूर करना। जिनको आता है वो ज़रूर बताए कि आप लोग किस तरीके से पॉकेट को बनाते थे। ठीक है, इसका दो तरीके से बनता है। मैं तो शुरू में ही बता दिया हूँ कि एक लंबाई के अनुसार, जैसे कि चौड़ाई में कपड़ा नहीं रहा तो जितना पॉकेट मुझे बनाना है, जैसे कि 10 इंच बनाना है तो आपको इसको 10 दुना का 20 हो गया, और जो एक्स्ट्रा कट होता है नीचे से सिलाता है उसके लिए 1 या 1.5 इंच लेना पड़ता है। ओके, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें और हमें विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे या सीख जाओगे। एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखो, तिबारा देखो, समझ जाओगे। और जो सिलाई करता होगा, दर्जी है या लेडीज़ दर्जी है, तो उन लोगों के पास अगर आपके पास नॉलेज है, उनसे जान पहचान है, तो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी मुनाफा हो सके और अपने भाई के चैनल से जुड़ जाए ताकि वो भी कुछ कुछ चीज़ें जानकारी ले सीखे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और हाँ, इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट देखना ना भूले। आप अच्छे तरीके से उस पार्ट को भी देखें और उस पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए, टाना लग चुका है और आप सभी को दिखा रहे हैं पॉकेट किस तरीके से दिख रहा है। तो इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है, हो सके आपको कल ही मिल जाए। हो सकता है कि वीडियो आप लेट से देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाते, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें इसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट देखने के लिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत पॉकेट दिख रहा है, इसी बात पर लाइक हो जाए।